नमस्ते दोस्तों, मैं राजू आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार के तरफ से दो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है, जिसमें पहला खबर है कृषि विभाग में वैकेंसी को लेकर के। तो बिहार कृषि विभाग में कितने पोस्ट पर वैकेंसी होगी, योग्यता क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर है, अब आप किसी भी थाने में ऑनलाइन FIR कर सकेंगे, ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत से सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। तो ये सुविधा कब से मिलने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि विभाग में आई हुई वैकेंसी को लेकर के। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कृषि विभाग में 1175 पोस्टों के लिए बहाली होनी है। उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह बहाली SC कोऑर्डिनेटर या फिर अन्य विभाग के लिए होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहाली कृषि विभाग में पौधा संरक्षण करने के लिए किया जाएगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि पौधा संरक्षण संभाग में कुल 1509 पद है, जिसमें 334 पद पर ही मुलाजिम कार्यरत है, बाकी के 1175 पद पर जल्द ही बहाली किया जाएगा। मैं आपको और बात एक बता दूं कि यहां पे अभी बहाली चालू नहीं हुई है, अभी यहां पे केवल बिहार सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है, बहुत ही जल्द बहाली भी होने वाली है। तो बहाली कैसे होगी, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा या ऑफलाइन, जब भी बहाली के लिए प्रक्रिया चालू होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे। यहाँ पे अभी योग्यता और डॉक्यूमेंट का भी क्लियर नहीं किया गया है, जब भी क्लियर हो जाती है तो हम आपको सबसे पहले वीडियो बना करके बताएंगे। दूसरी खबर के बारे में बात करें तो दूसरा खबर निकल करके आ रहा है कि अब अपने थाने में FIR दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए रजिस्ट्रेशन भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं, वाहन का जांच भी ऑनलाइन करा सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर मिसिंग हो गया है, भुला गया है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन दे करके कंप्लेंट कर सकते हैं। बिहार सरकार ने CTNS योजना के तहत इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में किया था, जो बीते वर्ष 2020 के अक्टूबर महीना तक इस काम को पूरा कर लेना था कि पूरे बिहार के जितने भी थाने हैं उसमें ऑनलाइन FIR दर्ज या फिर किसी भी प्रकार का कंप्लेंट किया जा सके। लेकिन कोरोना काल की वजह से इसमें विलम्ब हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि जनवरी महीने में 110 थाने बिहार के ऑनलाइन हो जाएंगे, बाकी के थाने मार्च महीने तक ऑनलाइन हो जाएंगे। कुल 900 थाने लगभग हैं, इसमें जो है सो ऑनलाइन हो जाएगा। जब ऑनलाइन हो जाते हैं तो आप वहां से ऑनलाइन FIR करना हो, या ऑनलाइन सीनियर सिटीजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो, या फिर ऑनलाइन वाहन की जांच कराना हो, या फिर ऑनलाइन कोई भी प्रकार का कंप्लेन करना हो, आप वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी ऑनलाइन होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।